दूध पी लो। मेरा बेटा खाली पेट सोए ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो जल्दी से दूध पी लो। ये क्या हो रहा है, होमवर्क? होमवर्क कर लो। बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे इतना सा बस? मामा मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। क्या बात है, अपनी मामा से नाराज हो? नहीं मामा, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? कोई बात तो है, किसी बात से तो परेशान हूं। अपनी मामा को नहीं बताओगे क्या? मामा आप हमें कब छोड़ के जा रही हैं? ये आपको किसने कहा कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूं? आपको पता भी है कि आपकी मामा दोनों से कितना प्यार करती है। मैं भला आप लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ बेटा? मामा नौमी कह रहा था कि पापा की तरह आप भी हमें छोड़ के जाने वाली है। क्या आप भी कभी वापस नहीं आएंगी? ऐसा मत सोचो बेटा, आपकी मामा आपसे और अमल से बहुत प्यार करती हैं। आप लोगों से दूर रहने का सोच भी नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी मामा खुद को कभी माफ नहीं करेंगी। मैं बहुत जल्द अपने बच्चों को यहाँ से ले जाऊंगी और अपने साथ रखूंगी। मामा आप रोए तो नहीं? मुझे पता है नौमी झूठ बोलता है। मैं यहीं पे रहूंगा आप ही के साथ और आपका वेट करूंगा मामा। आई लव यू मामा। आई लव यू टू। आई लव यू टू ऑलवेज। तो अकेले अकेले बेटे पे सारा प्यार निछावर हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुमसे प्यार नहीं करती मैं? तुम दोनों में मेरी जान है। तुम्हारी मामा तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती है। औलाद का दुख क्या होता है ये मुझ जैसी बेबस माँ से बेहतर और कौन जान सकता है। मामा हम दोनों भी आपको इस तरह उदास नहीं देख सकते। प्लीज खुश रहा करें हमारी खातिर ही सही। अमल राफे तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे बच्चों तुम दोनों ने उदास नहीं होना, क्योंकि तुम्हारी मामा तुम लोगों को उदास नहीं देख सकती। और अपनी मामा पे भरोसा रखना कि वो तुम दोनों को आकर यहां से ले जाए, क्योंकि तुम लोगों की मामा तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती। आई नो मामा, आई कैसी हो सहेली?
एक्सक्यूज मी, मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं, बेचारे बेमौत मारे जाते हैं। आपने मेरा रास्ता क्यों रोका? अच्छा सवाल है, और उसका जवाब ये है कि मेरे और अमल के रास्ते में जो भी आएगा ना, उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं समझाता हूँ तुम्हें। मुझे रेहान के घर का एड्रेस चाहिए। रेहान मेरे पास नहीं है। उसके ऑफिस का पता तो होगा। मुझे नहीं मालूम उसके ऑफिस का एड्रेस। मैं तो रेहान से सिर्फ एक मर्तबा मॉल में मिली थी और हाय हेलो हुई थी। देखो लड़की, होशियार बनने की कोशिश मत करो। मुझे एड्रेस सही से मालूम नहीं है, मुझे जितना पता है मैं आपको उतना बता देती हूँ। थैंक यू वेरी मच सहेली, अब तुम जा सकती। हेलो जी, आप ही रिहान? मैं और अम्मी नासरा खाला की तरफ जा रहे हैं, तुम वापसी पे हमें खाला की तरफ से पिक कर लेना। जी ठीक है, मैं कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मैंने पहले साइट पे जाना है और उसके बाद एक और मीटिंग है। ठीक है। हेलो हेलो, ए सिग्नल।